हेलो एवरीवन, मैं रमन कुमार अध्यक्ष स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की चर्चा का विषय है पीओ गाइड पार्ट टू से सेक्शन नंबर 4 और उसका नाम है कंडीशंस रिलेटिंग टू वेरियस स्पेशल सर्विसेज इन लेटर पोस्ट। और ये जो टॉपिक है या जो सेक्शन है वो क्लॉज नंबर 57 से 93 तक है, यानी कि इसमें क्लॉज संख्या 57 से लेकर के 93 तक ये सेक्शन नंबर 4 में आते हैं। और सेक्शन नंबर 4 का ये जो नाम है इसको भी आप लोगों को याद रखना है कि सेक्शन नंबर 4 का क्या नाम है और क्लॉज कौन कौन से आते हैं इसके अंतर्गत। सबसे पहले जानते हैं एयरमेल के बारे में। एयरमेल में क्या है कि जो इंटरनेशनल पोस्ट होती हैं, इंटरनेशनल पोस्ट जो होती हैं उन पर कुछ एडिशनल चार्जेस लगाए जाते हैं, अतिरिक्त शुल्क उन पर लगाए जाते हैं, या कहें कि कुछ स्पेशल कंबाइंड एयर कम पोस्ट चार्जेस एकदम लगाए जाते हैं, यानी कि कुछ विशेष संयुक्त हवाई चार्जेस के साथ साथ पोस्टेज शुल्क भी लगता है, क्योंकि जो आर्टिकल्स हैं वो एयरमेल के माध्यम से भेजे जाते हैं इसलिए उन पर कुछ एडिशनल चार्जेस हैं वो लगते हैं। और एडिशनल चार्जेस के आधार पर आर्टिकल्स को दो कैटेगरीज में बांटा गया है, और वो जो कैटेगरीज हैं वो कौन कौन सी हैं, तो सबसे पहले है L.C। L.C का मतलब क्या होता है, लेटर एंड कार्ड्स। इसका L.C का ये मतलब होता है लेटर एंड कार्ड्स, और ये एग्जाम में पूछा भी गया है कि L.C. का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है लेटर एंड कार्ड्स। और जो दूसरा टाइप है वो होता है A.O, इसका मतलब होता है कि अदर्स ऑब्जेक्ट, यानी कि लेटर एंड कार्ड्स के अलावा जो अदर ऑब्जेक्ट्स हैं उनको इस कैटेगरी में रखा गया है। और वो अदर ऑब्जेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं, प्रिंटेड पेपर हो सकते हैं, वो न्यूज़पेपर, स्मॉल पैकेट और BLP यानी कि ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट हो सकते हैं। बेसिकली अधे शुल्क या सरचार्ज के आधार पर आर्टिकल्स को दो कैटेगरीज में बांटा गया है, और जो दो कैटेगरीज हैं वो कौन कौन सी हैं, तो पहली कैटेगरी है वो है L.C और दूसरा है A.O यानी कि लेटर एंड कार्ड्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स। और जो पोस्टल मनी ऑर्डर्स होते हैं या ट्रेड चार्ज के जो मनी ऑर्डर्स होते हैं या जो ADs होती हैं, एडवाइस ऑफ डिलीवरी होती है, या कह के और पेमेंट्स आर इंक्लूडेड अमंग द L.C आइटम्स, यानी कि पोस्टल मनी ऑर्डर्स, ट्रेड चार्ज मनी ऑर्डर्स, AD और जो पेमेंट्स होते हैं इनको भी L.C आइटम्स में रखा गया, यानी कि इनको भी L.C की कैटेगरीज में रखा गया है, और दूसरे शब्दों में कहते हैं LC में रखा गया है। अधिभार यानी कि सरचार्ज और संयुक्त शुल्क को निश्चित करने के आधार पर जो कंट्रीज हैं, देश हैं या जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनको जोन्स में बांटा गया है, और लगभग 4 से 5 जोन्स में इनको बांटा गया है, और उन जोन्स में अलग अलग जोन में अलग अलग कंट्रीज को और केंद्र शासित प्रदेशों को रखा गया है। नेक्स्ट जानते हैं एरोग्राम के बारे में। एरोग्राम को हवाई माध्यम से भेजा जाता है, अगर उनको किसी कारण की वजह से उनको इनलैंड पोस्ट के माध्यम से भेजा जाता है तो उनके साथ में एज ए लेटर ट्रीट किया जाता है, यानी कि बेसिकली जो एरोग्राम्स होते हैं वो एयर के माध्यम से, बाई एयर या हवाई के माध्यम से भेजे जाते हैं, अगर उनको किसी भी कारणवश इनलैंड मीडियम से भेजा जाता है, सतही माध्यम से भेजा जाता है, सरफेस के मीडियम से भेजा जाता है, तो उनके साथ में जो व्यवहार है यानी कि जो एरोग्राम्स हैं उनको एज ए लेटर ट्रीट किया जाएगा। अब जानते हैं कि डायमेंशंस के बारे में कि एक एरोग्राम मैक्सिमम और मिनिमम कितने माप का हो सकता है। तो अगर रोल फॉर्म की बात करें तो रोल फॉर्म में जो डायमेंशंस हैं वो अधिकतम 110x220 mm से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए, और जो न्यूनतम माप है वो 90x140 mm से कम की नहीं होनी चाहिए, यानी कि मैक्सिमम डायमेंशंस 110x220, यानी कि जो लंबाई और चौड़ाई की जो माप है वो 110 और 220 हो सकती है, वहीं न्यूनतम डायमेंशंस में लंबाई और चौड़ाई की जो माप है वो 90 और 140 mm हो सकती है। एरोग्राम के मैक्सिमम वेट के बारे में जाने तो एक एरोग्राम को मैक्सिमम 3 ग्राम तक भेजा जा सकता है, यानी कि मैक्सिमम वेट की जो सीमा है एरोग्राम के लिए वो है 3 ग्राम की। अगर एरोग्राम को
जो उसका जो फ्रंट साइड कहें यानी कि जिस तरफ उसका पता लिखा होता है उसको फ्रंट साइड माने, तो उस साइड में यानी कि आगे वाले हिस्से पर उसको एक एड्रेस यानी कि भेजने वाले और पाने वाले के एड्रेस के लिए प्री पेमेंट और सर्विस नोट्स या लेबल के लिए इसे रिजर्व रखा जाता है। यानी कि जो फ्रंट साइड है किसी भी एरोग्राम का वो किसके लिए रिजर्व है, उस पर क्या क्या काम किए जा सकते हैं, तो उस पर एड्रेस लिखा जा सकता है, प्री पेमेंट और जो सर्विस नोट्स हैं या जो लेबल्स हैं या कोई इंस्ट्रक्शंस हैं दिशा निर्देश हैं उनको लिखने के लिए इसको रिजर्व किया गया है। और एरोग्राम जो शब्द है एरोग्राम जो शब्द है वो पत्ते वाला जो हिस्सा है, पत्ता वाला जो हिस्सा है जिस तरफ एड्रेस लिखा हुआ है उसका जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उस पर एरोग्राम छपा हुआ होना चाहिए और पावती की रसीद के अलावा कुछ भी संलग्न नहीं किया जा सकता है। यानी कि इसका मतलब है कि नो एनक्लोजर आर अलाउड इन एन एरोग्राम नॉर शुड एनीथिंग बी अटैच्ड टू इट एक्सेप्ट अ फॉर्म ऑफ एडवाइस ऑफ डिलीवरी वेयर एप्लीकेबल। यानी कि जहाँ पर एप्लीकेबल हो, जहाँ इसकी ज़रूरत हो, किसकी एडवाइस ऑफ डिलीवरी की या एक्नोलेजमेंट फॉर्म की जहाँ भी ज़रूरत हो उसके अलावा एरोग्राम के साथ कुछ भी संलग्न नहीं किया जाएगा। नो एनक्लोजर आर अलाउड इन एन एरोग्राम और नॉट शुड एनीथिंग बी अटैच टू इट। एरोग्राम पर संयुक्त पोस्टेज और हवाई चार्जेस दोनों लगते हैं। यानी कि सर्वाइस जो कंबाइंड पोस्टेज चार्जेस है और जो एयर चार्जेस है वो दोनों ही एक एरोग्राम पर लगते हैं। अब जानते हैं टॉपिक मेक अप ऑफ एयर मेल आर्टिकल्स के बारे में। जो एयर मेल के जो आर्टिकल्स होते हैं उस पर जिस तरफ पता लिखा होता है उसका जो लेफ्ट हैंड साइड का कॉर्नर है बाएं हाथ पर एक विशेष नीले रंग का लेबल होगा या एक इम्प्रेशन होगा या स्टाम्प छाप में एक शब्द लिखा जाता है, वो लिखा जाता है पेयर एवियन। और ये जो शब्द है ना पेयर एवियन, इसका जो मीनिंग होता है वो होता है बाई एयर मेल। यानी कि ये जो शब्द है इसका मीनिंग इंग्लिश में होता है बाई एयर मेल। और इस शब्द को लेकर के कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि पेयर एवियन शब्द का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है बाई एयर मेल। और ये किस कलर में हो सकता है, तो इसको एक विशेष नीले रंग का लेबल होगा या फिर एक विशेष नीले रंग की स्टैंप छाप में इस शब्द को लिखा जाता है। जब भी हम एक स्टैंडर्ड लिफाफे का उपयोग करते हैं तो ये जो विशेष लेबल या जो छाप है या जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो पते वाले जिस तरफ पता लिखा होता है उसके उस ओर जो बाएं हाथ पर प्रेषक का जो पता है उसके नीचे लिखना चाहिए। यानी कि जिस तरफ एड्रेस लिखा हुआ हो उसका जो सेंडर का जो एड्रेस होता है यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में होता है सेंडर का एड्रेस, और उसके नीचे जो इंस्ट्रक्शंस हैं या जो लेबल है या जो छाप है ये लगे होने चाहिए। किस केस में, जब एक हम लोग एक स्टैंडर्ड लिफाफे का यूज़ करेंगे तो उस केस में ये जो विशेष लेबल है या जो छाप है या जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो एड्रेस के साइड में लेफ्ट हैंड साइड पर प्रेषक का जो पता है उसके नीचे की ओर लिखना चाहिए। अब जानते हैं कि अगर कोई अनपेड यानी कि ऐसा एयरोग्राम या ऐसा एयरमेल का करस्पोंडेंस, एयरमेल करस्पोंडेंस से मतलब है कि जो हवाई पत्राचार है उससे मतलब होता है, अगर कोई हवाई पत्राचार है एयरमेल का जो करस्पोंडेंस है अगर वो अनपेड भेजा जाता है, अनपेड यानी कि उसका बिल्कुल भी भुगतान नहीं किया गया हो या ऐसा हो कि उसका आधा अधूरा भुगतान किया गया हो, यानी कि इनसफिशेंटली पेड एयरमेल का करस्पोंडेंस है या अनपेड एयरमेल का जो करस्पोंडेंस है अगर उनको भेजा जाता है तो उनको किस तरीके से ट्रीट किया जाता है, तो बिना भुगतान वाले या जो अधूरे भुगतान वाले जो एयरमेल के जो आर्टिकल्स हैं हवाई पत्राचार है उनको क्या किया जाता है, तो उनको रिटर्न टू सेंडर यानी कि प्रेषक के पास वापस भेज दिया जाता है। अब जानते हैं रजिस्ट्रेशन यानी कि पंजीकरण से संबंधित नियमों को जानते हैं फॉरेन पोस्ट के मामले में। तो जो सभी लेटर पोस्ट के आइटम्स हैं, सभी लेटर पोस्ट के जो आइटम्स हैं उनके साथ साथ हवाई माध्यम से जाने वाले सभी आइटम्स को पंजीकृत किया जा सकता है। यानी कि रजिस्ट्रेशन किन किन का हो सकता है, तो लेटर पोस्ट के आर्टिकल्स के साथ साथ में हवाई माध्यम से जितने भी आइटम्स को भेजा जाता है उनको पंजीकृत किया जा सकता है। और जो पंजीकरण शुल्क है, रजिस्ट्रेशन चार्जेज हैं या जो बेसिक पोस्टेज चार्जेज हैं या जो अन्य चार्जेज जैसे कि हवाई चार्जेज हैं, पावती रसीद का जो शुल्क है आदि को फुली प्रीपेड
के साथ ही पंजीकृत किया जाएगा। यानी कि अगर कोई आर्टिकल जिसका भुगतान पूर्ण रूप से नहीं किया गया हो उसको पंजीकृत नहीं किया जा सकता है। यानी कि अनपेड आर्टिकल्स हो चाहे अंडरपेड आर्टिकल्स हो, यानी कि ऐसे आर्टिकल्स जिनका बिल्कुल भी भुगतान नहीं किया गया हो उन्हें कहते हैं अनपेड आर्टिकल्स, या ऐसे आर्टिकल्स जिनका आधा अधूरा भुगतान कर दिया गया हो उनको कहते हैं इनसफिशियंटली पेड आर्टिकल्स। तो ऐसे आर्टिकल्स को पंजीकृत नहीं किया जा सकता है, यानी कि बिना भुगतान वाले या जिनका भुगतान बाकी है ऐसे आर्टिकल्स को पंजीकृत नहीं किया जा सकता है। सिर्फ और सिर्फ फुली प्रीपेड आर्टिकल्स यानी कि ऐसे आर्टिकल जिनका पंजीकरण शुल्क, बेसिक पोस्टेज शुल्क और अन्य शुल्क जैसे कि हवाई चार्जेस है और पावती रसीद की जो फीस है, इन सभी को अगर किसी ने पूर्ण अग्रिम भुगतान फुली प्रीपेड कर रखा है तो ऐसे ही आर्टिकल्स को पंजीकृत किया जाएगा। अब जानते हैं टॉपिक रजिस्ट्रेशन के अंदर मेकअप के बारे में। मेकअप में क्या है कि पंजीकृत आर्टिकल्स जो होते हैं उन पर ऊपरी हिस्से पर, यानी कि जिस तरफ एड्रेस लिखा हुआ हो उसका जो ऊपरी हिस्सा है उस पर बोल्ड लेटर्स में गहरे अक्षरों में एक शब्द लिखा जाता है, क्या रजिस्टर्ड या रिकमेंडेड। इन शब्दों को लिखना अति आवश्यक हो जाता है जब कोई पंजीकृत आर्टिकल्स को हम लोग भेजते हैं। तो पते की ओर इतनी जगह छोड़नी चाहिए यानी कि जो लिफाफा है जिसको ढांक वस्तु है उसका जो एड्रेस साइड है उस पर इतनी जगह छोड़नी चाहिए, इतनी जगह बिल्कुल छोड़नी चाहिए कि जिसमें लेबल या जो मोहर छाप है या जो अन्य छाप है या जो कोई अन्य दिशा निर्देश जो कि उस पर लिखने हो या छापने हो उनके लिए जगह छोड़नी चाहिए जिससे कि कोई भी इंस्ट्रक्शंस उस पर लिखा जा सके। यानी कि जो भेजने वाला व्यक्ति है वो एड्रेस साइड को पूरा यूज़ नहीं करेगा, उसमें कुछ स्पेस भी उनको छोड़ने होंगे। और जो मोस्टली जो स्पेसेस होते हैं, मोस्टली जो जगह छोड़ी जाती है वो जिस तरफ पता लिखा जाता है उसका ऊपरी जो हिस्सा है, टॉप ऊपर का हिस्सा है, जो टॉप वाला जो हिस्सा है मोस्टली उस जगह को इन चीज़ों के लिए छोड़ा जाता है, जैसे कि उन पर लेबल लगाना हो कुछ, या कोई छाप लगानी हो, या कोई मोहर छाप लगानी हो, या कोई अन्य निर्देश देने हो, उन सब के लिए जगह छोड़नी ही चाहिए। पंजीकरण कहाँ से करवाया जा सकता है? तो पंजीकरण किसी भी पोस्ट ऑफिस से करवाया जा सकता है, और पोस्ट ऑफिस में जा करके जो प्रेषक है, जो भेजने वाला है, उस व्यक्ति को एक रिसीप्ट ज़रूर लेनी चाहिए, यानी कि बुकिंग की जो रिसीप्ट है वो ज़रूर लेनी चाहिए, प्रेषक को उसकी रसीद ज़रूर लेनी ही चाहिए। अगर किसी प्रेषक को पंजीकृत डाक के लिए पावती रसीद यानी कि एडवाइस ऑफ डिलीवरी या एक्नॉलेजमेंट चाहिए तो वो निर्धारित शुल्क देकर प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि रजिस्टर्ड पोस्ट या रजिस्टर्ड आर्टिकल की अगर किसी व्यक्ति को पावती रसीद चाहिए, एडवाइस ऑफ डिलीवरी चाहिए या एक्नॉलेजमेंट चाहिए तो वो निर्धारित जो फीस है उसके लिए जो निश्चित फीस है उसको पे करके वो लोग प्राप्त कर सकते हैं। और पंजीकृत शब्द जो लिखा जाता है एड्रेस के साइड में ऊपर की ओर जो शब्द रजिस्टर्ड या रिकमेंडेड लिखा जाता है उसके नीचे एक शब्द लिखा जाता है एवेस डी रिसेप्शन, या कहते हैं उसे ए डॉट आर डॉट, ये शब्द ज़रूर होना चाहिए या जो छाप है इसकी वो ज़रूर होनी चाहिए। अब जानते हैं लाइबिलिटीज ऑफ पोस्ट ऑफिस के बारे में, यानी कि रजिस्ट्रेशन से संबंधित, रजिस्टर्ड पोस्ट से संबंधित पोस्ट ऑफिस की क्या क्या जिम्मेदारीज हैं। तो अगर कोई पंजीकृत आर्टिकल या पंजीकृत बैग की सामग्री खोने पर डाक विभाग किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं है। बेसिकली ये है कि अगर कोई आर्टिकल खो जाता है, चोरी हो जाता है या वो पूरी तरीके से डैमेज हो जाता है तो उस केस में पोस्ट ऑफिस 30 SDR एज ए कंपनसेशन, क्षतिपूर्ति के रूप में उस कस्टमर को पे करते हैं या जो भी क्लेमेंट होता है उसको पे करते हैं। लेकिन ये जो पंजीकृत बैग बल्क बैग होता है अगर उसमें से कोई डाक होती है या वो पूरा बैग ही गायब होता है तो उस केस में क्या होता है कि उस केस में पोस्ट ऑफिस जिम्मेदार नहीं होता है। और ये जो लाइंस हैं वो पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 2 में स्पष्ट रूप से दी हुई है। नेक्स्ट जानते हैं इंश्योरेंस टॉपिक के बारे में। अगर किसी आर्टिकल्स को इंडिया से बाहर के लिए भेजना हो, फॉरेन पोस्ट में भेजना हो, फॉरेन कंट्रीज़ के लिए भेजना हो, फॉरेन कंट्रीज़ के जो आर्टिकल्स हैं, फॉरेन आर्टिकल्स हैं, उनको इंश्योर करके भी भेजा जा सकता है, उनको बीमित करके भी भेजा जा सकता है। और उस केस में क्या करना है कि फॉरेन पोस्ट के लिए पत्रों को ही बीमित किया जा सकता है, यानी कि ओनली
लेटर्स को ही इंश्योर करके भेजा जा सकता है और अन्य जो कैटेगरीज है उनके जो आर्टिकल्स हैं उनको भीमित नहीं किया जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ लेटर्स को एज ए इंश्योर्ड भेज सकते हैं फॉरन पोस्ट के मामले में। अगर बीमित पत्रों को अगर किसी कंट्री से इंडिया में कोई इंश्योर्ड लेटर आता है तो मैक्सिमम 10,000 रुपये तक की जो राशि है उस आर्टिकल उस अमाउंट तक के जो आर्टिकल्स हैं या उस राशि तक के जो आर्टिकल्स हैं उनको इंडिया में एक्सेप्ट किया जा सकता है। बेसिकली 10,000 रुपये से ज़्यादा का जो आर्टिकल्स है बीमित पत्र है उसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। और एक जो इंश्योर्ड लेटर है इंश्योर्ड लेटर का जो मैक्सिमम वेट है जिसे हम लोग भेज सकते हैं तो वो है मैक्सिमम 2 kg का, यानी कि मैक्सिमम इंश्योर्ड लेटर का जो वेट है मैक्सिमम वेट है किसी भी इंश्योर्ड लेटर का वो 2 kg से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। और इन केसेस में यानी कि कॉइन्स अगर कोई भेजता है बुलियन भेजता है प्लेटिनम प्रीसियस स्टोन्स ज्वेलरी और कोई करेंसी नोट्स भेजता है या बैंक के नोट कोई भेजता है या ऐसी कोई वस्तु जो कि गोल्ड और सिल्वर की है ऐसे अगर कोई आर्टिकल्स को कोई व्यक्ति भेजना चाहता है तो इनके इस केस में जो इंश्योरेंस है वो कंपलसरी हो जाता है। यानी कि ऐसे जो आर्टिकल्स हैं यानी कि कॉइन्स बुलियन प्लेटिनम प्रीसियस स्टोन्स यानी कि कुछ कहना के महंगे जो धातु होते हैं आभूषण वगैरह जो होते हैं ज्वेलरीज जो होती हैं बैंक के जो नोट होते हैं या जो गवर्नमेंट करेंसी जो होती हैं इनको सिर्फ और सिर्फ इंश्योर करके ही आगे भेजा जा सकता है। अब जानते हैं रिप्लाई कूपन्स के बारे में। तो रिप्लाई कूपन में सबसे पहले जानते हैं जनरल के बारे में, सामान्यतः क्या होता है। प्रश्न यहाँ से पिछले एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछा गया था कि इंटरनेशनल रिप्लाई कूपन्स को एक टाइम में एक व्यक्ति के लिए मैक्सिमम कितने दे सकते हैं, ये प्रश्न पूछा गया था। तो इंटरनेशनल रिप्लाई कूपन्स को एक समय में एक व्यक्ति को मैक्सिमम 10 इंटरनेशनल रिप्लाई कूपन्स बेचे जा सकते हैं। तो 10 से ज़्यादा इंटरनेशनल रिप्लाई कूपन एक व्यक्ति को एक समय पर नहीं बेचे जा सकते हैं। तो उसकी लिमिट क्या है, 10 इंटरनेशनल रिप्लाई कूपन्स ही बेचे जा सकते हैं। और जो रिप्लाई कूपन्स है वो सेंडर्स के लिए इनेबल रिप्लाई कूपन्स आर इंटेंडेड टू इनेबल सेंडर्स टू प्रीपे फॉर अ रिप्लाई, यानी कि किसी भी रिप्लाई के जवाब में सेंडर्स रिप्लाई कूपन्स को यूज कर सकते हैं। मोस्टली केसेस में जो पोस्ट ऑफिसेस हैं उनमें रिप्लाई कूपन्स मिलते हैं, लेकिन अगर किसी ऑफिस में रिप्लाई कूपन्स नहीं है तो वो एज ए डिमांड यानी कि लोगों से डिमांड करके लोगों की डिमांड पर पोस्ट ऑफिस से रिक्वेस्ट करके वो ऑफिस अपने लिए रिप्लाई कूपन्स को मंगा सकते हैं, अपने लिए उन रिप्लाई कूपन्स को मंगवा करके जो कस्टमर हैं उनको दे सकते हैं। बेसिकली जो रिप्लाई कूपन्स की जो सुविधा है वो लगभग हर एक पोस्ट ऑफिस में होती है, लेकिन अगर किसी ऑफिस में ये जो रिप्लाई कूपन्स है वो नहीं है और उसके लिए डिमांड अगर कोई कस्टमर कर रहा है तो पोस्ट ऑफिस की ये जिम्मेदारी है कि वहाँ से रिप्लाई कूपन्स को मंगवा करके और जो डिमांड है कस्टमर की वो पूरी की जानी चाहिए। इंटरनेशनल रिप्लाई कूपन के बारे में जानते हैं। तो इंटरनेशनल रिप्लाई कूपन्स किन कंट्रीज़ के बीच में एक्सचेंज हो सकते हैं, तो ऐसे कंट्री जो कि यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के सदस्य देश हैं, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के जो सदस्य देश हैं उनके बीच में इंटरनेशनल रिप्लाई कूपन्स हैं वो एक्सचेंज हो सकते हैं। यानी कि अगर दो कंट्रीज़ ए और बी कंट्रीज़ इंटरनेशनल यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का हिस्सा है दोनों कंट्रीज़ तो उनके बीच में कोई भी इंटरनेशनल रिप्लाई कूपन है वो आ जा सकता है, यानी कि आपस में एक्सचेंज वहाँ से हो सकते हैं। इन सम केसेस पोस्टल स्टेशनरी इज आल्सो गिवन इन एक्सचेंज, यानी कि कुछ केसेस में जो पोस्टल स्टेशनरी है वो भी इस रूप में एक्सचेंज की जा सकती है। द कंट्री वेयर द कूपन इज एक्सचेंज कैन आल्सो डिमांड द simultaneously production of the letters intended to sent as reply. Basically international reply coupons as a demand अगर किसी post office में नहीं है तो वहाँ पर भी इनको मंगवाया जा सकता है। On presentation of sufficient number of coupons they can also be exchanged for the postage stamps required for ripping a letter weighing 20 grams for dispatch by air. नेक्स्ट में जानते हैं अदर सर्विसेज के बारे में। और अदर सर्विसेज में सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग
सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग, जैसा कि हम लोगों ने इनलैंड पोस्ट के मामले में पढ़ा था और कहाँ पढ़ा था, इस टॉपिक को हमने पीओ गाइड पार्ट फर्स्ट में पढ़ा था, वैसी ही कंडीशंस पर, उन्हीं सेम कंडीशंस पर, यानी कि इनलैंड पोस्ट के मामले में जो रूल सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग के थे, वही फॉरेन पोस्ट के मामले में भी अप्लाई होते हैं। यानी कि जो पीओ गाइड पार्ट फर्स्ट में हम लोगों ने सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग पढ़ा था, वहाँ जो रूल्स हम लोगों ने पढ़े थे, वही जो सभी रूल्स हैं वो फॉरेन पोस्ट के मामले में भी लगते हैं। तो इस टॉपिक को यहाँ पर ब्रीफली डिस्कस नहीं किया गया, इसको थोड़ा सा संक्षिप्त में रखा गया है, इसको शॉर्ट में रखा गया है। और फर्दर सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग के बारे में हम लोग पहले से ही पढ़ चुके हैं, तो यहाँ टाइम ना वेस्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे। और नेक्स्ट जानते हैं लेट फीस के बारे में। लेट फीस भी फॉरेन पोस्ट के जो आर्टिकल्स हैं उन पर भी लगती है, और वो कितनी लगती है, तो इनलैंड पोस्ट के जो आर्टिकल्स हैं, यानी कि पीओ गाइड पार्ट फर्स्ट में हम लोगों ने जितने भी लेट फीस के बारे में पढ़ा था, रजिस्टर्ड पोस्ट पर लेट फीस और अनरजिस्टर्ड आर्टिकल्स पर जो लेट फीस के जो चार्जेस थे, वही जो चार्जेस हैं वो फॉरेन पोस्ट के मामले में भी लगते हैं। यानी कि पीओ गाइड पार्ट फर्स्ट के जो रूल्स हैं वो पीओ गाइड सेकेंड पर भी अप्लाई होते हैं। और इसी नोट पर इस वीडियो को करता हूँ मैं एंड। ये है अंत इस वीडियो का। धन्यवाद।